हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल टेक इट शर्मा। चलिए अब समझ लेते हैं कि आरएमएस और ये पीएमपीओ यानी जो लोग अपनी हर स्पीकर में आपने देखा होगा 4000 वाट, 500,000 वाट, 6000 कुछ भी लिखा रहता है ना, वो क्या है? जैसे ये स्पीकर 320 वाट का है बट आरएमएस लिखा 40 वाट, वो क्या होता है? आपको पता है कि साउंड वेव कुछ ऐसे काम करती है, अप एंड डाउन, पॉजिटिव ऊपर निगेटिव ऊपर, ठीक है? तो जो पीएमपी होता है, पीएमपी का मतलब होता है पीक मेजर पावर आउटपुट, यानी किसी भी समय वो उसकी कितनी एक हाईएस्ट लिमिट है कि वो उसको टच कर सकता है, तो वो होता है 320 वाट। इसका मतलब कंपनी जब टेस्ट किया होगा तो कोई भी साउंड में कुछ ऐसा नोट होगा, ऐसी कोई चीज होगी जो कि कुछ सेकंड के लिए वो इस पर्टिकुलर नोट को, इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को टच कर गया होगा, तो उन्होंने उसको हाईएस्ट मान लिया, ठीक है? अब वो हाईएस्ट उन्होंने लिख दिया 320 वाट। आपको लगता है कि 320 वाट का ये है, बट नहीं, जो आरएमएस है वो कंटिन्यूअस पावर है, कंटिन्यूअस दिखाता है कि कितना ऑन एवरेज इसकी कैपेसिटी कितनी है आपको साउंड क्वालिटी हमेशा देने की, तो वो है 40 वाट्स, ठीक है? तो इसमें जो देखेंगे आप वेव्स है उसमें जो 40 वाट्स तक का ये सॉलिड आपको परफॉर्मेंस देगा, बाकी वो किसी भी समय कोई एक विद इन अ फ्यू सेकंड के लिए वो एक किसी फ्रिक्वेंसी को टच करेगा आपकी इसी साउंड में काफी हाई करने पर, बाकी जो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है वो आरएमएस बताता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरी कैपेसिटी या एक नॉर्मल ह्यूमन के बीइंग की कैपेसिटी जो नॉर्मल डेली दौड़ता है ऑन एवरेज वो 2 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है? 2 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है? तो वो कहा जाएगा कि वो उसकी लिमिट कितनी है, 2 किलोमीटर डेली वो दौड़ लेता है। अब पीओपी को किसी समझता है कि आप 2 किलोमीटर तो दौड़ लेते हैं, लेकिन एक दिन किसी दिन आप जा रहे थे रास्ते से, अचानक से आपका आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, आपका उसने आपको उसने दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे? अपनी सारी फोर्स लगा देंगे और काफी तेजी से भागेंगे। तो उस दिन आपने क्या किया, उस दिन आप 7 किलोमीटर आपने कवर किया उसके लिए, बट आपकी कैपेसिटी तो कितनी है, आपकी 2 किलोमीटर ही है, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसा सिचुएशन पड़ गया कि आपने उसको खींच दिया 7 किलोमीटर तक, है ना? तो ऐसे ही आप पीएमपी और आरएमएस को समझिए। जो आरएमएस है वो 40 वाट का ही है, कभी एक कोई सेकंड कोई ऐसा वैल्यू ऐसा फ्रीक्वेंसी बनती है कि वो 320 वाट तक का टच करता है, तो वो मैक्सिमम उन्होंने बना लिया और वो मैक्सिमम लोग चिपका देते हैं अपने सारे ब्रांड पे, 1300 वाट, 4000, 5000, 8000। आपको लगता है कि अरे 3000 का स्पीकर है और 4000 वाट इसमें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं, वो सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। जो उसका आरएमएस है, तो कभी भी कोई स्पीकर परचेज करिए तो देखिए उसका आरएमएस कितना है। आरएमएस पे भी डिपेंड करता है कि इसकी साउंड क्वालिटी कितने लेवल तक कंटिन्यूअस प्रोड्यूस कर पाएगी, कितनी अच्छी होगी। तो आरएमएस हमेशा बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मली मैंने एक सब पायनियर का बास्ट्यू लिया था, उसमें लिखा था 1300 वाट, काफी ज्यादा है और काफी लाउड भी है, वो बहुत ज्यादा लाउड है, और उसका आरएमएस कितना है आपको पता है, 180 वाट। सोचिए, यानी जो आरएमएस और पीएमपीयू में होता है वो 5 टाइम्स 6 टाइम पीएमपीयू ज्यादा होता है, क्योंकि वो ऑन एवरेज हमेशा नहीं होता, वो एक कभी फ्रिक्वेंसी जो टच करती है उसको उन्होंने मान लिया कि हाँ इतना तक कभी कभी वो टच कर सकता है, ऐसी फ्रिक्वेंसी अगर कोई आती है ऐसे ऑडियो में तो वो जा सकता है, बट उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 2 किलोमीटर डेली, यानी 40 वाट्स कंटिन्यूअस पावर सप्लाई ही है पावर आउटपुट। तो ये होता है बेसिकली आरएमएस और पीओपी में डिफरेंस। तो जब भी आप कोई साउंड स्पीकर परचेज करिए तो देख लीजिए कि अगर 4000 लिखा है तो उसका आरएमएस कितना है, आरएमएस पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी होगा। ओके, बाकी साउंड क्वालिटी आपने टेस्ट कर लिया है, पीएमपी आरएमएस में डिफरेंस समझ गए कि आप जब भी स्पीकर जाइए खरीदने तो ये जरूर कंसीडर करिए। तो होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट करना बोलिए और मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन साथ, नई बैकग्राउंड के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल टेक इट शर्मा। थैंक यू।